से ना आप घर पे ही बच्चों के पेपर बना सकते हो और देख सकते हो कि किसके कितने ज्यादा मार्क्स आते हैं, क्योंकि ये जो मैथ का जो रोलर है ये भाई 10+2 करवाएगा, आपके डिवाइड करवाएगा, आपके सारे जो सम्स है ना ये आपका एग्जाम बना सकता है बड़े आराम से। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार जो आप लोगों को दोबारा से बहुत बहुत वेलकम है आज के इस लेटेस्ट और काफी ज्यादा ताबड़तोड़ अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ स्नैक्स में। अब ये सारे के सारे मात्र आते हैं 5 रुपए में, पहले सारे के सारे 10 रुपए में आते थे। पॉपेट वाले खजाने से लेकर ठंडा ठंडा कूल कूल से लेकर मोटू पतलू तक खजाना तक, इनके अंदर किसी में छोटे नाम निकलेंगे तो किसी में निकलने वाले बड़े नाम, किसी में निकलते हैं सस्ते नाम तो किसी में निकलने वाले काफी ज्यादा वाले महंगे नाम। और आज एंड में बल्कि बीच में दे दिया जाएगा 15 लोगों को शाउट आउट, जिनमें से किसी एक को नहीं दो को नहीं टोटल 5 लोगों को मिलने वाला है एक ऐसा पिगी बैंक जो कि एवेंजर्स फोर्स की तरफ से आता है, जिसको आप भाई स्कूल बैग की तरह टांग सकते हो और इसके अंदर फिंगरप्रिंट वाला लॉक मिलता है। इसके अंदर ब्लैक विडो से लेके हॉकाई से लेके आपको हल्क वगैरह स्पाइडरमैन तक सब कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। और साथ ही में इसके अंदर जो है ना यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट भी देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप इसको उठाओगे तो यहाँ पर आप अपना लॉक कोड डाल सकते हो, जिसके बाद आप इस पिगी बैंक के अंदर अपने पैसे वगैरह भी जमा कर सकते हो, जो कि ये काफी ज्यादा तगड़ा भी होने वाला है। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पे नहीं तो चैनल के सब्सक्राइब बाजू में दिखे बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाले जितने हमारे लेटेस्ट वीडियो है आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो भाई देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। तो मोटू पतलू खजाना लेने से पहले हम लोग देखने वाले कि इसके ऊपर क्या क्या छपा हुआ। तो भाई इसके अंदर पेन तो हमारे गारंटेड निकलने वाले हैं, क्योंकि इसके ऊपर भाई आप देख सकते हो बॉल पेन से लेकर पायलट पेन तक बने हुए हैं। 200 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट से लेकर 2000 रुपए तक का नोट बना हुआ है। यहाँ पर भी 2000 रुपए का नोट बना हुआ है, 10 रुपए का नोट बना हुआ है, यानी कि इसके अंदर हमारे गोल्ड के कॉइन वगैरह निकल सकते हैं। और ये प्रॉपर एक सील पैक है जिसकी जो है ना हम अब अनबॉक्स करने वाले हैं, यानी कि इसको जो है हम फटाफट से कैची से काटने वाले हैं, जिसके लिए हमें चाहिए होगी एक सीजर जो कि आ चुकी है हमारे हाथ में। और फटाफट से अब हम इसको कट करके देखते हैं कि भाई इसके अंदर हमारा क्या निकलने वाला है। तो सबसे पहले तो हम इसको कट करने वाले हैं और इसी की जगह पर हम जो है इसको गिरा के देखेंगे कि इसके अंदर हमारा क्या निकलेगा। तो भाई आवाज़ तो आई है बहुत तगड़ी, तो इसके अंदर देखते हैं कि हमारा कौन कौन से आइटम निकले। तो भाई सबसे पहले तो हमें एक इधर प्यारी सी क्यूट सी इरेजर दिख रही है जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारी, आप ये देख सकते हो। इसके भाई शूज भी निकलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और इससे भाई आप अपनी किसी भी स्पेलिंग मिस्टेक को बड़े आराम से इरेज कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है इरेजर। और दूसरी और जो तीसरी चीज़ है वो ये होने वाली है, एक तो हमारे को भाई कॉइन मिला है 1 रुपये का, और दूसरा एक मिले लेजर लाइट जो आप देख भी सकते हो काफी ज्यादा तेज देखने के लिए मिली है, यानी कि भाई ये तो लेंस वगैरह खराब कर सकती है। और दूसरी चीज इसके अंदर अलग अलग लाइटें जलती है, यानी कि डिस्को वाली लाइट जलती है, और ये वाली जो लेजर लाइट है ये कोई आम लाइट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इस वाले बटन से तो लेजर लाइट जलेगी, और अगर गलती से नीचे वाला बटन दबता या ऊपर वाला बटन, इन दोनों में से एक बटन वो है जिससे कि भाई झटका सा लगता है, क्योंकि ये मेटल की दोनों तरफ से लगी हुई है और इसी वजह से भारी है, क्योंकि ये प्रैंक वाली लेजर लाइट है। ये सिंपल लेजर लाइट है जो कि 2-in-1 वाली लेजर लाइट है, और ये प्रैंक वाली लेजर लाइट है। ये 1 रुपए का कॉइन है और ये इरेजर है। अगर आपको चारों चीज बहुत पसंद आई है तो अपने नाम क्या के वाओ लिखना, और उसके आगे आपको लिखना है लेजर लाइट एंड इरेजर एंड 1 का कॉइन, ताकि चारों चीजें आपको गिव अवे हो सके। अब हम देखने वाले हमारा मोटू पतलू का खजाना, वो भी ग्रीन वाला। अभी हमने ब्लू वाला देखा था, अब हम ग्रीन वाला देखने वाले हैं, और इस बार भी हम लोग हार नहीं मानेंगे। या तो हमारा एक 2000 रुपए का नोट निकलना चाहिए, या हमारा एक पायलट पेन, या फिर हम लोगों का एक 50 रुपए का नोट तो बनता है भाई। तो फटाफट से इसको कट कर लेते हैं और इसी की जगह पे इसको गिरा के देखेंगे कि क्या आज हमारी किस्मत में 2000 रुपए का नोट है या फिर हमारी किस्मत में एक 50 रुपए का नोट है। तो भाई इसी की जगह पे गिराते हैं। क्या यार, ये वाले नोट जो है भाई इतनी बार निकले ना कि अब तो मैं इसको दूर से भी देख के बता सकता हूँ कि ये एक नकली नोट है। आप इस पे देख सकते हो क्योंकि इसके ऊपर ना मनोरंजन बैंक लिखा हुआ है, चिल्ड्रन बैंक जो होता है ना वो वाला बैंक है, मनोरंजन बैंक। बाकी जो है ना पीछे से देखने में थोड़ा बहुत असली लगता है, क्योंकि इस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा, तो इस वजह से ये एक चूरन वाला नोट है जो कि भाई 500 रुपए में क्या, ये तो 1 रुपए में भी नहीं चलेगा। बाकी अगर आपको प्रैंक वाले नोट पसंद है तो अपने नाम क्या के वाओ लिख आपको लिखना है प्रैंक वाला 500 का नोट, ताकि ये वाला नोट आपको मिल सके और आप अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में प्रैंक कर सको। और जो दूसरी जो चीज है ये मिली है एक गेम, जिसके पीछे से यहाँ पे म्यूजिक निकलता है। यहाँ पर भाई 2 बैटरी डलेंगे आपकी, और साथ ही में इधर से आप जो है गेम वगैरह खेल सकते हो, और इसकी मोटाई वगैरह भी काफी अच्छी है, यानी कि आप इसको पॉकेट वगैरह में रख के बड़े आराम से निकाल के खेल सकते हो। यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दे रखा है, स्टार्ट करने के लिए, पॉज करने के लिए, रीसेट करने के लिए, और साउंड को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर बटन दे रखा है। और इधर एक डिस्प्ले दे रखी है 2 इंच की, जिसमें आप अपनी कार रेस वगैरह, ब्रिक गेम वगैरह बड़े आराम से खेल सकते हो। और अगर आपको इसको कीचेन की तरह बना के टांगना है तो बड़े आराम से इसको लटका भी सकते हो। तो अगर आपको इस तरीके से भाई पॉप स्टेशन वाली गेम बहुत अच्छी लगती है, जो कम से कम 250 से 300 रुपए की आती है, तो आपको अपना नाम लिखना है, उसके आगे वॉल लिखना है, और उसके आगे आपको लिखना पॉप स्टेशन वाली गेम, ताकि ये वाली गेम आप लोगों को गिव अवे हो सके। और अब बारी आती है हमारे ग्रीन वाले मोटू पतलू के खजाने की, जिसके अंदर फिर दोबारा से एक बार 2000 रुपए के नोट के लिए
हम इसको काटने वाले हैं, या फिर इस बार हमारा एक 2000 रुपये का नोट निकलेगा, या फिर भाई 200 रुपये का तो नोट हमको निकालना ही निकालना है। तो देखते हैं क्या निकलता है हमारा। ना तो 200 रुपये का नोट निकला, ना हमारा 2000 रुपये का नोट निकला, लेकिन हमको एक कार दिख रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और अगर आप इसके लुक की बात करोगे तो आप इसके लुक को देख के पहचान जाओगे कि ये मैकलेरन की M1 कार है, जो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लगती है। और ये एक स्पोर्ट्स कार है, तो इसी वजह से ना भाई ये बहुत ज़्यादा आपको रियलिस्टिक लुक देखने के लिए इसका मिलेगा। और इसके गेट वगैरह जो है ना वो भी ओपनेबल है, यानी कि आप इसमें बैठ के इसको ड्राइव कर सकते हो। और पीछे की तरफ से देखते हुए जब इधर की तरफ से आओगे तो ये वाला भी गेट खोलोगे तो और भी ज़्यादा असली लगती है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इसको बड़े आराम से इसके व्हील्स को मूव होते हुए देख सकते हो, और जब आप इसको नीचे उतारना चाहते हो तो गाड़ी नीचे भी उतर सकती है, और पीछे करोगे तो ये पुशबैक बनके इस तरीके से आएगी। तो आओ इसके एक लाइव डेमो पे। ये आ चुकी है हमारी ब्रांड न्यू मेटल की डाईकास्ट वाली गाड़ी, जो की है भाई एक मैकलेरन M1 कार। और इसको ऊपर से देखो चाहे आप साइड से देखो, ये देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगती है। और जो उसके टायर है ना अलॉय व्हील, भाई MRF और अपोलो के टायर से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और ये गाड़ी स्पीड में बहुत तेज है, ये देख रहे हो, मतलब ये गिरने वाली थी। और अब इसको गिरा के भी दिखाते हैं, अगर ये गिर भी गई ना टूटने वाली नहीं है। कमाल है यार, मतलब क्या स्पिनर की तरह ये गोली की तरह जूम जूम करती हुई जाती है और करती हुई जाती है। और ये नीचे खड़ी होने पर बहुत ही ज्यादा असली लग रही थी, इस तरफ से भी ये बहुत असली लगती है, ऊपर की तरफ से देखने पर भी काफी ज्यादा प्यारी लगती है। और ये भाई बिल्कुल 10/10 लग रही थी। तो अगर आपको इस तरीके की मेटल की डाईकास्ट वाली मैकलेरन कार बहुत अच्छी लगती है, जिसकी डिटेलिंग बहुत असली होती है, पेट्रोल की टंकी से लेकर मिरर तक बहुत ज्यादा असली देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको अपना नाम लिखना है, उसके आगे वॉल लिखना है, और उसके आगे आपको लिखना है मेटल वाली डाईकास्ट मैकलेरन कार, ताकि ये वाली मेटल की कार जिसके गेट तक खुलते हैं ये आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं अब इसकी जगह पे, और अब हम देखने वाले हमारा ब्लू वाला मोटू पतलू का खजाना, जिसके लिए दोबारा से हमें 2000 रुपये चाहिए, या फिर भाई हमें एक 10 का नोट चाहिए, या चलो यार एक 50 का नोट निकल जाओ, पता नहीं 200 का नोट या 2000 रुपये का नोट हमारा निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। बाकी अगर 500 का भी निकल गया ना तब भी मजे आ जाएंगे, 250 आपके 250 हमारे, और 250 करने के लिए ना 50-50 का नोट लगाना पड़ेगा दोबारा से। तो भाई इसी की जगह पे इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं हमारी डॉल्फिन और हमारे कुछ और भी सामान। तो भाई सबसे पहले एक 2 रुपये का सिक्का इसके अंदर निकला, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि ये जो है भाई 2015 का कॉइन है। अगर आपको 2015 वाले सिक्के अच्छे लगते तो अपने नाम के वॉल लिख के आपको लिखना है 2 रुपीज़ का कॉइन, ताकि ये आपको गिव अवे हो सके। दूसरा जो है भाई ये एक इरेजर वाला कीचेन, जो कि सुपरमैन का कीचेन है, अगर कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो आप इसको पीछे से इरेजर बना के इसको यूज कर सकते हो। और जब आपको इसको अपने बैग में कीचेन की तरह टांगना है तो इस सुपरमैन को बड़े आराम से टांग भी सकते हो। और अगर आपको स्लाइम्स वगैरह बहुत अच्छी लगती है तो ये भाई डब्बी वाली स्लाइम निकली है, जो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमारे को एक बैटमैन देखने के लिए मिल रहा है, जिसको कि आपको इस तरीके से निकालना है। और ये आप देखो यार, ये भाई बिल्कुल एकदम ग्लू स्टिक वाली नहीं है, यानी कि ये इसके अंदर कोई गम नहीं है, ये आपके हाथ पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, ना ही आपकी कॉपी वगैरह को खराब करेगी। और इसके अंदर से ना स्लाइम के अंदर से आपको इसको बचा के निकालना है, जो कि आप देख रहे हो ना बैच, वो भाई पूरा का पूरा बैटमैन का, और ये काफी ज्यादा HD है और बहुत ज्यादा 4K में भी दिख रहा है। तो आपको अगर इस तरीके से स्लाइम के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, जो कि हाथ पे भी नहीं चिपकती और ये बॉक्स के अंदर आती है, तो अपने नाम के आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना बॉक्स वाली बैटमैन की स्लाइम, ताकि ये आपको गिव अवे हो सके। और ये सुपरमैन के साथ साथ अगर आपको डॉल्फिन वाले स्पिनर भी बहुत पसंद है तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिखना, और उसके आगे आपको लिखना डॉल्फिन वाला स्पिनर, ताकि ये प्लास्टिक का स्पिनर आप लोगों को गिव अवे हो सके, जिसके अंदर मेटल का बियरिंग लगा है। लेकिन यार इसके अंदर से थोड़ी सी भी आवाज नहीं आ रही ना, तो ये कुछ ज्यादा ही साइलेंट है, जिसकी वजह से मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बाकी अगर आपको प्लास्टिक वाले अच्छे लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी साउंड नहीं करते, तो आपके लिए काफी ज्यादा मजेदार साबित होने वाला है। और अब बारी आने वाली है हमारे 3 ठंडा कूल कूल की। तो सबसे पहले भाई हमने ले लिया हमारे ठंडा अंडा का कूल कूल, इसके अंदर स्पिनर निकल सकता है, RC कार से लेके आपकी फैंटम माजा स्टिंग तक निकल सकती है, वाइस स्प्राइट वगैरह तक निकल सकती है। और शायद इसके अंदर ठंडा ठंडा कूल कूल लिखा है, तो यानी कि हमारी कोल्ड ड्रिंक से लेके इसके अंदर कोई डर्मी कूल तक के पाउडर वगैरह निकल सकता है। तो इसी की जगह पे इसको गिरा के देखने वाले, तो भाई सबसे पहले तो कॉइन निकला है, जिसको देखने से पहले भाई हमारे को एक कूपन दिख रहा है, जो कि निखिल स्नैक्स लिखा हुआ है। अरे वाह, यानी कि भाई हम इसको देख के एक फैंटा या माजा बड़े आराम से ले सकते हैं। और उसी के बाद हमारे को एक मिले वाटर गेम, जिसमें यहाँ पर इंजेक्शन लगा के हम इसके अंदर पानी भर सकते हैं, ताकि इसके अंदर भाई हमारे बुलबुले बड़े आराम से बन सके। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 सेकंड के अंदर अंदर सिर्फ हमारे इसके अंदर 2 छल्ले आए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 5 सेकंड के अंदर इसके अंदर टोटल मिला के 3 छल्ले डाल सकते हो, तो आपको अपना नाम लिखना है, उसके आगे वॉल लिखना, और उसके आगे आपको लिखना है आईफोन वाली वाटर गेम चैलेंज एक्सेप्टेड, ताकि 5 सेकंड के अंदर जो भी 3 छल्ले इसके अंदर डाल सकेगा ये वाटर गेम उसको गिव अवे हो जाएगी, जो कि आप इसको भाई अपने पॉकेट में बड़े आराम से रख सकते हो, और खाली पीरियड में इसको निकाल के बड़े आराम से आप अपनी गेम वगैरह भी इंजॉय कर सकते हो। और तीसरी जो चीज है वो इसके अंदर एक और कॉइन है। आज यार कॉइन बहुत सारे निकल रहे हैं, हमारा ना तो कोई 200 का नोट निकला, ना हमारा कोई 2000 रुपये का नोट निकला। और अब हम देखने वाले हमारा दूसरा वाला ठंडा कूल कूल, जिसके अंदर भाई कोल्ड ड्रिंक की तो भाई कोई भी कमी नहीं है, और स्पिनर वगैरह बहुत तगड़े वाले बने हुए हैं। लेकिन हम चाहते हैं अगर स्पिनर भी अगर निकले ना, तो यार कोई मेटल वगैरह का स्पिनर निकले, जिसके अंदर भाई वजन वगैरह बहुत ज्यादा होता है,
या फिर अगर कोई कूपन वगैरह निकले इस बार तो स्टिंग वाला कूपन निकले जिसको भाई पी के ना बहुत ही ज़्यादा मजा आ जाए। तो इसी की जगह पे हम इसको गिरा के देखने वाले हैं तो क्या निकला क्या निकला। स्नैक्स तो काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं। सबसे पहले भाई हमारे को एक 50 का नोट मिला है जो काफ़ी ज़्यादा, अबे यार ये क्या 50 कूपन निकला इस पे, ये तो हमारा पोपट बन गया। इसकी चमकीली वगैरह भी सब फेंक है और यार ये देख रहे हो नोट, मतलब कि पीछे से ये शायद एक बार को असली लग सकता है लेकिन पलट के देखोगे तो ये तो भाई प्रैंक वाला नोट है। अगर आपको नकली नोट पसंद है प्रैंक वाले जिससे कि आप कैंटीन वगैरह में प्रैंक कर सकते हो अपने दोस्तों को पार्टी का झांसा देके, तो आपको अपना नाम लिखना है उसके आगे वाव लिखना और उसके आगे आपको लिखना है 50 रुपए का नकली वाला नोट प्रैंक वाला, ताकि ये वाला प्रैंक वाला नोट आप लोगों को गिव अवे हो सके। और अगर आपको असली वाला कॉइन पसंद है तो आपको अपने नाम के आगे वाव लिखना है और उसके आगे आपको लिखना है 2008 का 1 रुपए का कॉइन, ताकि ये वाला ठेंगे वाला कॉइन आप लोगों को असली वाला गिव अवे हो सके। और इसके बाद अब हम देखने वाले भाई, ये तो जो करेक्टर बने हुए हैं ये सबको पता है कि ये है BTS वाले करेक्टर। अगर आप लोग भी BTS आर्मी से हो तो ये एक ठंडा ठंडा कूल कूल वाला हमारे को मिला शार्पनर, जिसको यहाँ से शार्पनर की तरह यूज कर सकते हैं और इसको स्ट्रो को पीने की जगह हम अपनी स्पेलिंग मिस्टेक को मिटा सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर जो दे रखा है ये इरेजर है और इसको खोलने के बाद अपना सारा डस्ट आप फेंक भी सकते हो। तो अगर आप BTS आर्मी से तो आपको लिखना है आई लव BTS आर्मी, ताकि आपको ये वाला शार्पनर कम इरेजर गिव अवे हो सके। और अब बारी आती है हमारे तीसरे वाले ठंडा ठंडा कूल कूल की। इस बार एक मेटल का स्पिनर तो भाई कार को मिलना चाहिए, या फिर एक स्टिंग मिलनी चाहिए या फिर एक RC कार, नहीं तो अगर इन तीनों में से कुछ नहीं निकला तो भाई एक 2000 रुपये का या फिर एक 500 का असली का नोट निकलना चाहिए, ताकि हमारी जो है बल्ले बल्ले हो जाए। तो भाई इसी की जगह पे इसको घेरने वाले हैं और देखने वाले कि क्या निकलता है। तो भाई कॉइन वगैरह दिख रहा है, एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी दिख रही है और ये अभी तक खाली हुआ है एक। तो भाई ये ना पैकेट इतना छोटा सा है, उसके अंदर ना इतने से स्नैक्स निकलते हैं जिसमें कि सिर्फ पैसे कितने अगर देखोगे ना तो सिर्फ 1 आधे रुपये ही निकलते हैं, जो कि आप देख सकते हो कि ये कॉइन निकला है 2 रुपये का कॉइन है जो कि 2007 का है। अगर आपको 2007 का 2 रुपये का सिक्का पसंद है तो अपने नाम के वॉल लिखना, उसके आगे लिखना है 2007 का 2 रुपये का कॉइन। और उसके बाद आप ये देख सकते हो भाई इसके अंदर आवाज आ रही है, ये हमारी कोला फिजी कैंडी, यानी कि ये भाई एक कैंडी है जो कि भाई कोला कैंडी है, जिसको खोल के देखना पड़ेगा। ओहो ऊपर से देखो बिल्कुल असली बना हुआ है और इसके अंदर तो भाई बिल्कुल मेटल वाली फील आ रही है और इसके अंदर प्लास्टिक वाली फील आ रही है, जबकि दोनों के दोनों प्लास्टिक के हैं, पर इसकी फिनिशिंग कोको कोला जैसी है, बिल्कुल एकदम डिट्टो बना रखा है इन लोगों ने। और ये जो है भाई ये देखने में आपको पता लगी क्या होगा, ये की चैन है जिसको कि आप एक पेन की तरह यूज कर सकते हो बड़े आराम से, इस तरीके से खोल के देखो कितना बड़ा बन जाता है और बड़े आराम से इससे कुछ भी लिख सकते हो, यानी कि भाई होमवर्क वगैरह कर सकते हो। और जब कोई पूछे कि भाई ये कहां से मिला है तो कह देना कि ये फनवास भैया ने गिव अवे दिया था। तो ये कोको कोला वाला अगर आपको पेन पसंद है तो अपने नाम के आगे वो लिखना है और इसके आगे आपको लिखना है कोको कोला कैन वाला पेन, ताकि ये वाला पेन जो आप लोगों को गिव अवे हो सके। और अगर आप लोगों को कोला कैंडी काफी ज्यादा अच्छी लगती है तो एक बार देख लेते हैं कैसी है। तो इसके अंदर से हम भाई 2 कैंडी देखने वाले हैं। ओ माय गॉड यार ये तो बहुत ही ज्यादा असली लग रही है, ये इसके ऊपर तो बने ही हुए कोको कोला। तो अगर आपको इस तरीके की कोको कोला वाली कैंडी पसंद है और आपको ये कोला कैंडी की पूरी बोतल पसंद है तो आपको अपना नाम लिखना है, उसके आगे वॉल लिखना है और उसके आगे आपको लिखना है कोला कैंडी वाली बोतल, ताकि ये वाली बोतल आप लोगों को गिव अवे हो सके। और अब बारी आती है हमारे पॉपेट वाले खजाने की, जो राहुल नाश्ता की तरफ से आता है, जिसके अंदर आपके पॉपेट से लेकर के आपके 50 का नोट निकल सकता है, 100 रुपये का नोट निकल सकता है और आपके भाई पॉपेट तो इसके अंदर गारंटेड निकलते निकलते हैं। तो अब हम देखने वाले कि क्या इसके अंदर हमारे पॉपेट निकलेंगे या इसके अंदर हमारा LED वाला लट्टू निकलेगा या फिर इसके अंदर हमारे 100 रुपये के नोट या 200 रुपये का नोट निकलेंगे। तो इसी की खाली जगह पे इसको हम देखने वाले गिरा के कि हमारा क्या निकलने वाला है। तो भाई इसके अंदर 200 रुपये का नोट निकल रहा है, अब ये देखेंगे कि ये असली वाला है नकली वाला है। तो सबसे पहले इसको उठा के देखने वाले हैं। तो भाई क्या बात है, ये आप देख सकते हो इसके ऊपर भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, यानी कि ये मनोरंजन बैंक नहीं लिखा, ना ही इसके ऊपर 200 रुपये का कूपन लिखा। तो ये बिल्कुल करारा वाला हमारा 200 रुपये का असली का नोट है और इसकी चमकीली से पता लग रहा है, क्योंकि अगर किसी का सितारा आपको ऐसा दिख जाए ना तो समझ लेना कि भाई इस बार गांधी जी ने आपके साथ मोई मोई नहीं करा है। तो अगर आपको भी इस तरीके से 100 ब्यूटीफुल वाले 200 रुपये का नोट अच्छा लगता है तो आपको अपना नाम लिखना, उसके आगे वॉल लिखना और उसके आगे आपको लिखना है 200 रुपये का असली का नोट, ताकि ये वाला असली का नोट आप लोगों को गिव अवे हो सके। और उसके बाद अब हमें, ओ माय गॉड ये देखो कितना ही ज्यादा प्यारा लग रहा है यार, और इस पे पुश लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको पुश करेंगे और ये इस तरीके से खुलता है। और ये एक्चुअल में आप देखोगे तो ये एक मेटल वाला स्पिनर जो कि भाई एकदम फ्लावर की तरह दिख रहा है, ये भाई फायर है, इसको आप फ्लावर समझ रहे हो क्या। इसकी शाइन वगैरह जो बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि असली सोने का बना हुआ 18 कैरेट गोल्ड का, जो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। और इधर की तरफ में ना इन लोगों ने भाई ग्रेविंग कर रखी है, जिस तरीके से ऐसे नक्काशी नहीं कर देते सेम वैसा लग रहा है। और अगर आप दूर से देखोगे तो आपको सन की तरह दिखेगा, सनफ्लावर की तरह, और पास से जाके देखोगे तो ये एक स्पिनर तो है ही। तो लेकिन इसके साथ अगर आप देखोगे ना इसकी जो बैरिंग की क्वालिटी है भाई वो बहुत ज्यादा प्यारी है, इस तरीके से तो आवाज आती है लेकिन जब ऐसे घुमाते हैं तो यार बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही।
और ये देखो कितना ही ज्यादा स्मूथ है और भाई मक्खन की तरह चल रहा है। तो अगर आपको मेटल के स्पिनर पसंद है और आप उसको एक फिंगर पे चला सकते हो जैसे कि अभी हमने एक फिंगर पे रख रखा है, तो आपको अपना नाम लिखना है, उसके आगे वॉल लिखना है और उसके आगे आपको लिखना है वन फिंगर चैलेंज एक्सेप्टेड, ताकि जो जो अपने हाथ के ऊपर इसको 50 सेकंड तक रख के चला सकेंगे ये वाला गोल्डन स्पिनर उन लोगों को गिव अवे हो जाएगा। तो भाई अब इसको रख देते हैं वापस से एसी के बॉक्स में और अब हम देखने वाले हैं हमारा दूसरा वाला पॉपिट वाला खजाना। तो भाई पॉपिट वाले खजाने में इस बार हमारे पॉपिट वाले खजाने निकलेंगे या फिर 200 रुपये का नोट या फिर 100 रुपये का नोट या फिर हमारा एलईडी वाला लट्टू, क्योंकि एलईडी वाले लट्टू भी जो है ना भाई बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से हमें जो है लालच उठ रहा है। तो देखते हैं अगर लट्टू निकल गया ना एलईडी लाइट उसका क्या मतलब है कि भाई रात के अंधेरे में ना उसको जब मर्जी चला सकते हो और बहुत ज़्यादा मजा आता है। ओहो भाई कूपन वगैरह निकले हैं और एक ना कार भी दिख रही है, तो सबसे पहले तो हम कूपन उठाएंगे और उसके बाद हम अपनी कार भी उठाएंगे। तो ये आप देख सकते हो रवि फूड लिखा हुआ और इसके अंदर 2 रुपये का सिक्का मिला है, यानी कि भाई ये हमें दुकान वाले को दिखाना है, वो हमें जो है इसके बदले में 1-2 रुपये का सिक्का देगा। और ये हमारे को मिली है एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाली पगानी जोंडा जिसके ऊपर आप देख भी सकते हो 420 लीटर का टर्बो इंजन दे रखा है और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है भाई 420 एल टर्बो स्पीड। और आप अगर यहाँ से देखोगे तो इधर पता है इसका इंजन है ही नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर इसकी बूट दे रखी है जिसके अंदर आप अपने डिक्की का सामान वगैरह रख सकते हो और इसका इंजन पीछे की साइड में दे रखा है और यहाँ पर 4 एग्जॉस्ट दे रखे हैं, लेकिन इन्होंने भाई 3 की नक्काशी कर रखी है जबकि इसके अंदर टोटल 4 होते हैं। और ये पगानी वाला जोंडा मॉडल है और आपने पगानी की अगर हुआरा देखी हुई ना तो सेम वही है, बस इसका आगे का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। इसकी हेडलाइट वगैरह बहुत ज्यादा प्यारी है और ये एक मेटल की डाईकास्ट गाड़ी है जिसके भाई गेट ना खुलते नहीं है, ये ऊपर की तरफ उठते हैं, जिसको आप लोग सीजर गेट भी बोल सकते हो, जो कैची वाले गेट होते हैं उस तरीके से। ये देखो कैसे एकदम फ्लाइंग डोर बन जाते हैं और ये काफी ज्यादा तगड़ी लगती है, जिसको कि भाई बड़े आराम से आप किसी भी जगह पे ऊपर चढ़ा सकते हो, किसी भी जगह से आप इसको बड़े आराम से उतार सकते हो। और अगर हल्का सा पीछे करोगे तो ये पुश बैक बनती है जिसके कि भाई व्हील ऐसे घूमने लग जाता है अपने आप। तो आज क्यों ना इसका एक लाइव डेमो देखते हैं कि भाई ये कैसे लगने वाली है नीचे रखने पर। तो आज हमारे साथ एक लाइव डेमो पे एक ऐसी गाड़ी आ चुकी है जिसका नाम है पगानी जोंडा और ये काफी ज्यादा कूल लगती है, क्योंकि इसके ओपनेबल जो डोर है ना ये नीचे की तरफ या सामने की तरफ नहीं ये बल्कि ऊपर की तरफ खुलते हैं। और ये देखो क्या इतनी स्पीड है इतने स्लो में जो है ना यार काफी ज्यादा प्यारी लगती है, लेकिन इसकी स्पीड गोली की तरह। और कभी कभी ना जो इसकी हेडलाइट है ऐसा लगता है कि भाई आंख मार रही है, अभी देखना जब इसको दोबारा चलाएंगे ना तब इसको पास से जब देखोगे इतनी ज्यादा कूल लगती है। देखो जल रही थी ना, ये देखो 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 कितनी प्यारी लग रही है यार लाइट जलती है, ये सही में काफी ज्यादा कूल है। और जब ये बिल्कुल पास में आ जाती है तो ऐसा लगता है कि कोई असली वाली गाड़ी चल रही हो और सामने जो इसका लुक है ये एकदम असली वाली स्पोर्ट्स कार है, बहुत बढ़िया माइंड ब्लोइंग यार। ये देखो कितने मक्खन की तरह चल रही है, एकदम प्यार भाई, एकदम बिल्कुल गोल गोल स्पिनर की तरह घूम रही है और नीचे रखने पे बहुत ही ज्यादा असली लगती है, ऐसा लगता है कि भाई क्या ही तो गाड़ी है ये। और सच में यार क्यों ना हो, इधर की तरफ से देखोगे तो भी असली लगती है, ऊपर की तरफ से देखते हो तो भी असली लगती है और ऐसे देखोगे तो भाई लगती है बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और ये रेड कलर में है ना तो मेटल की होने की वजह से ये और भी ज्यादा असली लगती है। तो अगर आपको भी इस तरीके की असली कार बहुत ज्यादा पसंद है मेटल की, तो आपको अपने नाम के आगे वॉल लिखना है और उसके आगे आपको लिखना है रेड वाली मेटल की पगानी कार, ये वाली पगानी कार है भाई और वाली मैकलेरिन है और वो इससे बड़ी वाली है और वो भी मेटल की डाईकास्ट गाड़ी है, जो कि भाई वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी नीचे रखने पे। तो अब बारी आती है हमारे तीसरे वाले पॉपिट वाले खजाने की और इस बार भाई इसको देखने वाले हैं राहुल नास्ते की तरफ से आता है ये भी कि क्या इसके अंदर कूपन निकलेगा या इसके अंदर हमारे 100, 200 रुपए या 500 रुपए का नोट निकलने वाला है या फिर इसके अंदर एलईडी वाला लट्टू आज हमें मिल ही जाएगा। तो इसी की खाली जगह पे इसको गिराने वाले हैं और देखने वाले क्या निकलता है। यार लगता है कि हमारे साथ चीटिंग होगी, हमारे को एक आइसक्रीम मिली है, वो आइसक्रीम नहीं भाई ये एक एप्पल वाला पॉपिट है जिसके अंदर आपको रेड ऑरेंज येलो ग्रीन पर्पल से लेके बहुत सारे अलग अलग कलर देखने के लिए मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। और ये पॉपिट जो साउंड है इसका भी भाई बहुत ज्यादा गजब आने वाला है, तो एक बार ना इसको पॉपिट वाले साउंड को फोड़ के देखते हैं, कितना ही प्यारा साउंड है यार। अगर आपको इस तरीके से बड़े वाले पॉपिट अच्छे लगते हैं 3D फैंसी शेप वाले, तो अपने नाम के आगे वॉल लिखना और उसके आगे आपको लिखना है एप्पल फैंसी पॉपिट, ताकि ये वाला बड़ा पॉपिट जो हाथ से भी ज्यादा बड़ा दिख रहा है ये आपको गिव अवे हो सके। और अब बारी आती है हमारे सबसे आखिरी वाले पॉपिट वाले खजाने की, जिसकी कि भाई आखिरी बार हम जो है भाई देखने वाले कि या तो 50 का नोट निकल जाए या 200 का नोट निकल जाए, 100 रुपये का नोट निकल जाए या हमारे पॉपिट निकल जाए या फिर एक एलईडी वाला लट्टू निकल जाए, क्योंकि इसके बाद फिर हमारे पास कोई पैकेट बचा ही नहीं है। तो ये हमारा सबसे आखिरी पैकेट है, तो हम भाई होप करते हैं इस बार, प्रे करने वाले कि भाई काश जो है हमारा निकल जाए, तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो इसी की जगह पे इसको गिराने वाले हैं और देखने वाले क्या निकलता है क्या निकलता है। ओ भाई एक 500 का नोट दिख रहा है और भी इसके अंदर सामान दिख रहा है हमें। तो सबसे पहले हमारी नजर भाई जा रही है इस वाले नोट पे जो कि थोड़ा असली सा लग रहा है। ओए यार ये असली है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है और इसकी चमकीली जो भाई बहुत ही ज्यादा सुनहरी है और आप इस पे गांधी जी भी देख सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा असली है और ये दूर से भी असली लग रहा है। ये देख सकते हो उसकी जो चमकीली है ना वो काफी ज्यादा नकली दिख रही है और इसकी अलग ही तरीके से दिख रही है, थोड़ी फीकी फीकी सी, तो यानी कि असली वाली। अगर आपको इस तरीके से असली नोट भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं तो आपको अपना
नाम लिखना है, उसके आगे वॉ लिखना है, और उसके आगे आपको लिखना है असली वाला 500 का नोट, ताकि आप अपने दोस्तों को कैंटीन में ले जाके प्रैंक करने के बाद उनको भाई असली वाली पार्टी भी दे सको। इसको रखते हैं इसकी जगह पे ताकि आपको ये गिव अवे हो सके। और अब हम देखने वाले हैं कि पता नहीं कुछ अलग सी चीज है, इसको देखते हैं। और ये जो है भाई, ये कुछ एक रोलर टाइप का कुछ दिख रहा है, और वहां पे भी कुछ गिरा हुआ है जो कि अच्छा, ये कुछ इंक टाइप का है। ये देखो, ये यहाँ पर निकलेगा, और ये यहाँ पर भाई 10+2 वगैरह टाइप का कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ये क्या है? ओह अच्छा भाई, ये तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन पेपर बनाएगा, यानी कि ये आपको इसके अंदर इंक डालनी है। ये जो है इसको हम खोल के यहाँ पर भाई इंक डाल देंगे, जिसके बाद जो है हमें इसको इस तरीके से रोलर को चलाना है, जिससे कि ये एक अपना सम्स बनाएगा। यानी कि भाई इससे ना आप घर पे क्वेश्चन पेपर बना सकते हो, बच्चों के टेस्ट ले सकते हो भाई किसके कितने ज्यादा नंबर आते। तो एक काम करते हैं, एक ना हमारे दिमाग में आइडिया चल रहा है शरारती वाला, तो क्यों ना इसका एक लाइव टेस्ट हो जाए। तो आ जाओ इसके साथ एक लाइव डेमो पे। तो ये आ चुका है हमारा मैथ रोलर व्हील। सबसे पहले हम इसके ऊपर इंक लगाएंगे, और उसके बाद आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ रोलर ये चलता है, और इसके अंदर ना प्लस वाला भी आता है, माइनस वाला भी आता है, तो आपके पास तो कोई सा भी पहुंच सकता है। बहुत ही ज्यादा सुपर है, माइंड ब्लोइंग यार, कितने ही ज्यादा तगड़ा है। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वॉ निकला ये। आप इसे सचमुच में घर पे पेपर बना सकते हो, और अपने घर के बच्चों के भाई टेस्ट वगैरह ले सकते हो। अगर आप भी टीचर बनना चाहते हो, या आप भी घर के बच्चों का टेस्ट लेना चाहते हो, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉ लिखना, और उसके आगे आपको लिखना है मैथ व्हील, क्योंकि भाई ये व्हील जैसा है तो, और ये मैथ का है, तो आप इसको मैथ व्हील बोल सकते हो, ताकि ये आपको गिव अवे हो सके। और अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। और अब बारी आती है उन 15 लोगों की जिनको मिलने वाला शाउट आउट, जिसके अंदर हैप्पी बर्थडे शाउट आउट भी शामिल है। तो ये है वो 15 नाम, शान, रुहान, श्यान, सुभान, शाही, हिमांशु, समाधान, एंडरसन, हमजा, शक्ति, शिवांक, नंदलाल, निकित, रियान, आयुष, एंड हैप्पी बर्थडे टू यू सुप्रियो एंड रोशन। आप दोनों को आपके जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज इनमें से किसी एक को नहीं, दो को नहीं, तीन को नहीं, चार को भी नहीं, टोटल 5 लोगों को मिलने वाला है एक ऐसा पिगी बैंक जो कि भाई एक स्कूल बैग पैक की तरह दिखता है। साथ ही में इसको आप जब भी फ्लैप उठा दोगे, तो आप यहाँ पे लॉक कोड डाल सकते हो, और आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिलता है, जो कि आपके फिंगरप्रिंट का लॉक बनता है। साथ ही में इसके अंदर ऊपर से आप कॉइन डाल सकते हो, ऊपर वाली साइड में आपको कॉइन डलता है, और यहाँ से आप इसके अंदर जैसे नोट लगाओगे तो ये ऑटोमेटिक अंदर खींच लेता है, जिसके साथ इसके अंदर LED लाइट भी जलती है और म्यूजिक चलता है वो अलग। और साथ ही में इसके ऊपर आपको एक एक फिगर देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको हॉकाई, ब्लैक विडो से लेके आयरन मैन, हल्क वगैरह सब कोई देखने के लिए मिलता है। और ये काफी ज्यादा तगड़ा भी है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी आता है। वाक्य में जिन भी 5 लोगों को मिलने वाला है, उनकी बहुत ही ज्यादा बल्ले बल्ले होने वाली है। और अगर आपको भी इनमें से जोन जोन सी आइटम पसंद आई है, तो आपको अपना नाम लिखना है, उसके आगे वो लिखना है, और उसके आगे आपको वो आइटम लिखना है, ताकि वो आइटम जो है आप लोगों को गिव अवे हो सके। चाहे फिर वो छोटी गाड़ी हो, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, चाहे वो नकली पैसे हो, चाहे वो असली पैसे हो, सबका सब आप लोगों को गिव अवे हो सके। और अगर आपको सारा का सारा अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ स्नैक्स का पसंद आया, तो करें इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, करें अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर। और अगर इस पर भी 15 से ज्यादा लाइक, 15 से ज्यादा शेयर, 15 से ज्यादा कमेंट होते, तो सारा का सारा अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ स्नैक्स का कर दिया जाएगा। कि नहीं 15 नहीं, बल्कि टोटल 20 लोगों को शाउट आउट देके गिव अवे। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पे नहीं, तो चैनल के सब्सक्राइब बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले जितने वाले लेटेस्ट वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।